महागजनी, हम जानते हैं कि आप अपने पुत्र गज्जू को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन ऐसा कुछ मत करिए जिससे ये आग और बढ़ जाए। हाँ महागजनी, ये मायावी आग है, इसे जितना भी बुझाने की कोशिश करेंगे ये और बढ़ती जाएगी। माँ, अब ये आग नहीं बढ़ेगी। आग नहीं बढ़ेगी? कैसे? ये आग इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि महागजनी ये आग पानी से बुझा देगी। बालवीर, पानी से आग कम करने की कोशिश हम कर चुके हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार ये आग कम होगी नटखट परी, क्योंकि आपके द्वारा उपयोग किया हुआ पानी जादुई था जिसकी वजह से ये मायावी आग कम होने की बजाय बढ़ गई। लेकिन महागजनी की सुन में जो पानी है वो पृथ्वी लोक का प्राकृतिक पानी है जिसकी वजह से ये मायावी आग बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। और जैसे ही आग कम होगी मैं अपनी चुंबकीय शक्ति की मदद से गज्जू के लोहे के पिंजरे को आग से बाहर निकाल लूंगा और हम गज्जू को आजाद कर देंगे। माँ, दादाजी, मम्मी, बादल, सलोनी, बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक होगा ही ना स्मिता, हमारी सलोनी इतनी बहादुर जो है। बहादुर तो मैं हूँ ही क्योंकि उस वक्त आप और बालवीर जो मेरे साथ थे। वैसे हमें शुभांगी की हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए, उसने शक्ति का स्वरूप धारण किए हुए माँ की तरह अपने बच्चों पे आए हुए खतरों का सामना किया। और दादाजी, शुभांगी आंटी उस बड़े से हाथी के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। हाँ हमने देखा बेटा। मैं जानता था एक न एक दिन शुभांगी हाथी के सामने जाकर खड़ी हो ही जाएगी। महेश गजानन, थैंक यू। अरे वैसे तो मैं बड़े से बड़े तूफान के आगे खड़ी रह सकती हूँ लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। सही कहा शुभांगी, हम सब माएं ऐसी ही होती हैं, हमारे बच्चों के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए मुझे महागजनी पर गुस्सा नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक माँ थी और वो अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। और जैसे हमें अपनी बच्ची वापस मिल गई है, मुझे मेरी बहन वापस मिल गई है और मुझे मेरी दोस्त वापस मिल गई है, वैसे उस हाथी को भी अपना बच्चा वापस मिल जाए। महागजनी, आप इस मायावी आग को अब बुझा दीजिए। बालवी, अब अपनी चुंबकीय शक्ति से इस पिंजरे को बाहर निकालें। सच्चाई और अच्छाई की करता हूं मैं भक्ति, जागृत हो जाए मेरी चुंबकीय शक्ति। भला तो सब भला। हाँ। अरे अंत हुआ कहाँ है? मेरा मतलब है मीठा खाए बिना अंत हो सकता है क्या? अय्या हो, मैं अभी ना सबके लिए मिठाई बना के लाती हूँ। इनका मतलब है कि तुम्हें मीठा बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मीठा तो मैं बना चुकी हूँ। बापूजी ये आवाज कहाँ से आ रही है? बापूजी, ओह ये बापूजी, मेरा भी मुंह मीठा कीजिए। संभालो गिर पड़े, गिर पड़े ऐसे। इसे ग्लूकोज चढ़ाओ। मतलब तुझे मिठाई की जरूरत नहीं है, ताकत वाली दवाई की जरूरत है। लेकिन वो दवाई भी मीठी होनी चाहिए। नहीं वो तो ठीक है लेकिन यहाँ कैसे गिर पड़े? यहाँ कैसे आ पड़े? अरे अब यहाँ कैसे आ गए?
अरे आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने गजानन साहब के लिए बहुत कमाल का घर ढूंढा है। मैं जानता था एक ना एक दिन तुम मेरे लिए एक बढ़िया सा घर ढूंढ ही लोगे। अरे ये गिर पड़ेंगे ये। अभी फटाफट शिफ्टिंग की तैयारी कीजिए। नहीं, अब यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो जाने दीजिए, मतलब मेरे पेट पर लात मत मारिए। मुझे चार क्लाइंट को घर दिखाने हैं, ऐसा मत कीजिए मुझे। अरे अरे गिर पड़े। अरे मेरे कहने का अर्थ ये है कि अब मेरा दोस्त और उसका परिवार अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। गजानन भाभी, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे महेश कैसी बात कर रहा है? देखिए आप लोगों को कोई तकलीफ कोई शिकायत तो नहीं है ना? अरे नहीं स्मिता भाभी, अपनों से भी ज्यादा अपनापन है यहाँ तो। तो फिर जाने की बात क्यों कर रहे हो? यही रहो ना हमारे साथ, एक परिवार बन। अरे महेश, लेकिन तुम्हारी दोस्ती का इस तरह से फायदा उठाना क्या ये सही है? देख गजा, तू दोस्त मानता है, दोस्ती की बात कर रहा है, फिर उसमें फायदे नुकसान को क्यों ढूंढ रहा है? अगर पापा अपने दोस्त को यहाँ से नहीं जाने देना चाहते तो फिर मैं अपने दोस्त को कैसे जाने दे सकता हूँ, है ना? हाँ। बाप के साथ ये भी शुरू हो गया? करेक्ट मानव। बाबूजी आप क्या कहते हैं? बोलिए बाबूजी, बोलिए। मतलब मुझे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन 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 इतना कि शुभांगी से कह दो कि वो खाना ना बनाए। मैंने हमेशा लोगों को घर के बाहर निकालने के लिए लड़ते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार किसी को अपने साथ रहने के लिए लड़ते हुए देख रहा हूँ। देखा बापूजी, आज पहली बार आप सबका प्यार देखकर मैं गिरा नहीं हूँ, संभल गया हूँ। आप सब ऐसे ही प्यार से रहिए, यहाँ गिर पड़ेगा कोई काम नहीं। तो मैं चलूं? हाँ हाँ, गिर पड़े संभालो, गिर पड़े, मैं बाहर तक छोड़ के आऊं। नहीं नहीं, आप खुशी से रहिए, मैं गिरते पड़ते चला जाऊंगा। हाँ। अरे तू चार पैरों पे चल बेटा। लेकिन महेश, आज मेरे ही संस्कार मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। रानी परी, परियों, मैंने जो भी भूल की है मैं उसके लिए आप सब से और बालवीर से माफी मांगती हूँ। और मैं आप सब से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि इस सब के बाद भी आपने मेरी माँ को कोई चोट नहीं पहुँचाई, उन पे वार नहीं किया। हाँ परियों, बालवीर आप सच में सच्चाई और अच्छाई के रक्षक हैं। आप सबके होते हुए सच्चाई और अच्छाई कभी हार नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा महागजनी, पर सच ये भी है कि हमने आपके पुत्र गज्जू की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी और हम ही उसे ठीक से निभा नहीं पाए। नहीं रानी परी, परियों, मुझे आप सब से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि गुस्से में मैं ही सही और गलत का फर्क भूल गई। वो इसलिए महागजनी क्योंकि आप प्रकृति के साफ वातावरण में रहने वाली हैं, इसलिए आपका मन भी बिल्कुल साफ है। और इसीलिए महागजनी आप भयंकर परी के बुराई के खेल और चाल को समझ नहीं पाए। हाँ महागजनी, अब हम भी मानते हैं कि आप बिल्कुल सही थी। सतरंगी जंगल ही आपके और आपके पुत्र गज्जू के पालन पोषण के लिए सही जगह है। महागजनी अब आपको वापस लौट जाना चाहिए। हाँ महागजनी, अब आप भले ही हमारे साथ ना रहें, लेकिन हम सब की शुभकामनाएं आपके और गज्जू के साथ हमेशा रहेंगी। आप जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे रानी परी। तो गज्जू तैयार हो तुम सतरंगी जंगल जाने के लिए? ये गज्जू कहाँ गया? गज्जू अभी तो यही था। गज्जू हम समझ गए कि वो कहाँ गया होगा। कहाँ? डरी परी आप जानती हैं तो कहाँ है गज्जू? रानी परी वो जरूर दूध पीने गया होगा।
बड़ाई शरारती है गज्जू। हाँ, पर हमें डर है कि वो कहीं दूध के कुंड में गिर ना जाए। डरी परी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए हम और आप गज्जू को लेकर आते हैं। जी कालपति, चलिए। रुकिए गज्जू, रुकिए। गज्जू, आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ गज्जू, महागजनी आपके लिए परेशान हो रही है। नहीं, मुझे ये दूध पीना है। अरे तो सतरंगी जंगल जाकर पी लेना दूध, वहाँ पर भी मिलेगा आपको दूध। हाँ, लेकिन वहाँ ऐसे कुंड में घुसकर दूध पीने का आनंद कहाँ मिलेगा। काल्पनिक बच्ची है। लगता है गज्जू को लाने मुझे ही जाना पड़ेगा। महागजनी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो देखिए, गज्जू आ गया है। बहुत स्वादिष्ट दूध था माँ। बहुत शरारती हो गए हो तुम गज्जू। लगता है मुझे तुम्हारे साथ सख्त होना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। महागजनी, गज्जू को माफ कर दीजिए। और फिर शरारत करना बच्चों का ही तो काम है, और माफ करना बड़ों का। हाँ महागजनी, माफ कर दीजिए ना गज्जू को। खुश रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो, खुश रहो महागजनी, खुश रहो। शुक्र है, भयंकर परी की रची हुई साजिश का खतरा टल गया। हाँ, वरना हम तो डर गए थे कि इस बार भयंकर परी अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएगी। लेकिन बालवीर ने ऐसा नहीं होने दिया। हाँ बालवीर, हमें आप पे गर्व। आज आपने पृथ्वी लोक के बच्चों को और गज्जू को, दोनों को बचा लिया। सर, मेरा मानना यह है कि आदमी की लाइफ में डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। अगर मैं पीटी सर नहीं होता तो शायद आर्मी में होता। तो सर आप आर्मी में क्यों नहीं है? बाद में बताऊंगा। सावधान, कैंसल, विश्राम। पहले खाना खाओ, बाद में सावधान विश्राम करेंगे। गॉट इट? यस सर। देखा, इन्हें मैं आर्मी ट्रेनिंग दे रहा हूं ताकि ये हमेशा लाइफ में मुस्तैद रहे, खाते समय, सोते समय, जागते समय। गॉट इट? सर डिसिप्लिन, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, खाना खाने के बाद कोई भी खाना यहाँ नीचे जमीन पे नहीं गिराएगा। गॉट इट? यस सर। और अगर गलती से गिर जाए तो सीधे उठा के डस्टबिन में डालना। गॉट इट? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सॉरी सर। सावधान विश्राम, तुमने जो ये गलती की है इसकी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। गलती से गलती हो गई सर, जानबूझकर नहीं किया सर। अरे सचिन, अगर सजा से बचना है तो जाओ पीटी सर के गुस्से को पानी से ठंडा कर दो। मेरा मतलब है, जाओ बेटा सचिन, पानी ले आओ और ये सब साफ करो। जी सर। सर ये आप साफ कर लीजिए। नो,
डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। इन लोगों ने ये गंदगी की है और यही साफ करेंगे। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जी सर। सर अभी बचे ही हैं, जनत बचे हैं। यस, सचिन को रात मिली। यस यस। ये दूसरे देशों के शूज का यही प्रॉब्लम रहता है, 10 दिनों में सोल उखड़ जाते हैं। ये महाचिपकू को हम लगा के ही काम चलाना पड़ेगा। अरे कितना रोता है, चल इसी खुशी में मैं तुझे नया जूता दिलाता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोंटू का बच्चे, ये क्या किया तूने? क्या मतलब बॉस, आपका धक्का लगा, मेरा हाथ सोल से चिपक गया और महाचिपकू गम इस जूते से। तो अभी क्या करना है? अरे मदद करो मेरी इस जूते को निकालने में। जोर लगा के। सॉरी 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 सॉरी। आइडिया, मेरा जूता निकालने का। सॉरी, सचिन को परेशान करने का आइडिया। अबला माचुकु गम दे। माचुकु गम। अरे जा, केवल ये बाइक उधर रख गया और हाथ संभाल। अब देखना कमाल किधर है रे पाइप। बाइक तो इधर ही है। सर बाइक मेरी है, ठीक है। सॉरी सर, सर बाइक तो लेके आ गया पर पानी ऑन करना भूल गया सर। ओके, एक काम करना, जाके नल चालू कर देना प्लीज। हाँ अभी चालू करता हूँ। पाइप से चिपक कैसे गया? अब मिलेगी सचिन को सजा? नहीं मिलेगी, क्योंकि बॉस जब पानी बंद होगा तब पीटी सर को पता चल जाएगा कि सचिन का हाथ उस पाइप से चिपका हुआ है। बॉस कौन? हम। और बॉस कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि अगर महाचिपकू गम को 5 मिनट के अंदर पानी से धो दो तो उसकी पकड़ कम हो जाती है। मतलब सचिन के हाथ से पाइप कुछ ही देर में छूट जाएगा।